हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान के लाइव मौसम अपडेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आज दोपहर के बाद राजस्थान के किन किन इलाकों में आज बारिश की गतियाँ होने वाली हैं और आज शाम को राजस्थान के किन किन जिलों में तेज़ अंधड़ के साथ ओलावृष्टि और किन किन इलाकों में बारिश की गतियाँ होने वाली हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वर्तमान में देखा जाए तो शाम 3 बजे के आसपास राजस्थान के कई जिलों में घने बादलों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। विशेषतः देखा जाए तो राजस्थान के कई इलाकों में अभी वर्तमान में बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं। बाड़मेर के आसपास के इलाकों की बात करें तो सासोर, बाकासर, धोरीमीना, भीनमाल से लगाकर सुराना, बाड़मेर, गटर रोड के मध्य कई इलाकों में घने बादलों का जमावड़ा शुरू हो चुका है और कई कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। हो सकता है कई इलाकों में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि तो तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ कई जिलों में देखने को मिलेगी। सिरोही, रानी, पाली, सोजत के आसपास से लगाकर देवगढ़, राजसमंद, उदयपुर, बिंदेर से लगाकर चित्तौड़गढ़ के आसपास के कई इलाकों में वर्तमान में घने ऊंचाई वाले बादल तो कहीं की तेज बारिश की गतिविधियाँ उदयपुर से लगाकर सोलुम्बर के मध्य और डूंगरपुर के आसपास देखने को मिल रही हैं। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, मंडलगढ़ से लगाकर कोटा, जाजपुर, आंसी, देवगढ़ से लगाकर ब्यावर के आसपास देखा जाए तो इन संपूर्ण क्षेत्र में वर्तमान में घने बादल बने हुए हैं और बारिश की गतियाँ जल्दी इन क्षेत्र में देखने को मिलेगी। बादलों की गतियों की बात करें तो पश्चिमी दिशा से आने वाले बादल पूर्वी दिशा की ओर बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके प्रभाव से कोटा संभाग के कई इलाकों में भी आज बारिश की गतियाँ सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। कोटा, झालावाड़, बारा के आसपास देखा जाए तो इन संपूर्ण क्षेत्र में वर्तमान में घने बादल देखने को मिल रहे हैं। लाखेरी, सवाईमाधोपुर के आसपास लगाकर इन क्षेत्र में जल्दी बारिश की गतियाँ आज शाम होते होते बढ़ती हुई नजर आएगी। जोधपुर के आसपास से लगाकर शेरगढ़, उंडू, शिव, बजसलमीर के आसपास पोकण के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में वर्तमान में घने बादलों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। हो सकता है शाम के कई इलाकों में खंड बारिश के रूप में तो कहीं की तेज आंधी के रूप में भी बारिश की गतियाँ इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। तो नोट माता से लगाकर रामगढ़, श्रीमोहनगढ़, बहला के आसपास के इलाकों की बात, रंजीतपुरा, सुरजा, बीकानेर के कई इलाकों में भी वर्तमान में घने बादलों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो श्रीगंगानगर के कई इलाकों में श्रीडूंगरगढ़, लोनकरणसर, सरदारसर, सुरू के आसपास आज तेज बारिश की गतियाँ दोपहर 3 बजे के बाद से कई इलाकों में देखने को मिलेगी। शाम होते होते इन संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतियाँ कहीं कहीं आंधी के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती हैं। सुजातगढ़, सीकर, झुंझुनू, सुरू, राजगढ़ से लगाकर नहर, भादरा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के कई इलाकों में शाम होते होते कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। खाजूवाला से लगाकर सुरजा, बीकानेर, नौका से लगाकर नागौर के कई इलाकों में भी आज शाम होते होते बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ती हुई नजर आएंगी। आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो राजस्थान के जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग और कोटा संभाग के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतियाँ तो कई कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वर्तमान में पश्चिमी जैरदार के प्रभाव से इन संपूर्ण क्षेत्र में घने ऊंचाई वाले बादल नजर आ रहे हैं और बादलों धीरे धीरे की बात करें तो उत्तर दिशा पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्र में कई कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।